इसी जगह से या नीति लोग आगे देखते हैं आज भी तो बिल्कुल बेकार है, कितनी गलतियां हैं इसमें। लेवल का ग्रंथ आता है यूनिवर्सिटी में तो हम नहीं बता पाते, देखा जी तुम को तब हम नहीं बता पाते, तब हम सोचते हैं कि इससे अद्भुत अनुवाद कौन कर सकता है। तो अनुवाद किसके लिए होता है, उसका महत्व क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ये भी तो देखना चाहिए। दारा शुगोर की बात आई, हम भी पिछले साल तक दो साल पहले तक दारा शुगोर कहते थे, अब हम दारा शुगोर कहने लगे। आप लोग भी आज से दारा शुगोर कहने लग दीजिए। तो इसलिए अपना प्रमाणिक बता रहा हूँ आपको, ये दो साल पहले हम गए अलीगढ़, पहले भी गए हैं, तो हम लोग इसी प्रकार अनुवाद पे ही गोष्ठी थी, उसमें बोल रहे थे, उसमें इरफान हबीब साहब आए थे। तो इरफान हबीब साहब ने मुझे बताया, मतलब गलती हमारे सुधारने वाला भी कहाँ से आया, वो तो गलती कर नहीं सकता। इरफान हबीब ने कहा कि दारा शुगोर का अर्थ बड़ा भयंकर होता है, दारा शुगोर का अर्थ सही है, आप तो जानते हैं, आप कुछ और बताइए उसके बारे में। तो दारा शुगोर की बात के प्रति मेरी बहुत आस्था नहीं है, मैं बताऊं तो उन्होंने बड़ा भारी काम करवाया लेकिन किया तो नहीं, उनको संस्कृत नहीं आती थी, उन्होंने बड़े बड़े विद्वान जुटाए और कहा कि ये काम करना है और उसके लिए वृत्ति जुटाई। उन्होंने वो काम किया जो साहित्य अकादमी करती है, उन्होंने वो काम किया जो नेशनल बुक ट्रस्ट करता है, उन्होंने लोगों को जुटाया और उनको पैसा दिया और कहा कि आराम से रहो ये काम करो। उनको स्वयं आता था, स्वयं अनुवाद किया है उन्होंने चालू है। अब इस आप कह सकते हैं अकबर के नाम से होना चाहिए उत्तर राष्ट्रीय दिवस, अकबर महाभारत रामायण दोनों के अनुवाद कर पाए, ऐसा नहीं है किसी को निश्चित नहीं कर पाए। एक मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में जो विचार है वो मैं भी बुला रहा हूँ अपने लिए, कभी आते हैं चले जाते हैं तो उसका जन से बिजली रुपये के जितने दिन में आराम मालूम रहता है उसको कह रहे हैं कि एक इस प्रकार के दस प्रसंग काल क्रमानुसार भारतीय अनुवाद के इतिहास में क्या क्या हुए हैं और उनके बारे में हमें क्या पता है और उसके बारे में हमारी क्या धारणा बन रही है, किस तरह से हम जाति संकेत मात्र एक सूची बने। कुछ मैंने काम किया उस पर, कुछ और भी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से 5 मिनट में एक इतिहास छापा है, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेट लिटरेरी ट्रांसलेशन से टू इंग्लिश 5 घंटे, उसको ऊपर 4 घंटे आते हैं, 5वां आ रहा है, उसके सिलसिले में मैंने कुछ लिखा देखा इस पर 2 घंटों में, कम से कम 5 घंटों में। लेकिन मैं जो आज आपसे कहना चाहता था ये तो प्रसंग वश जो और कहा गया उसके बारे में, अनुवाद की स्थिति हमारे यहाँ बहुत अच्छी लग रही है। चीन में इतने अनुवाद हो रहे थे जब मुझे थोड़ा और पता चला उसके बारे में तो मुझे बहुत ग्लानी हुई, आत्मग्लानी तो होती ही है लेकिन आत्मग्लानी भी बहुत होती है कभी कभी जब आप और देशों को देखें कुछ करके। तो हजार साल तक चीन में अनुवाद हुए संस्कृत से, हजार साल तक चीन और भारत के बीच में संपर्क बना रहा, हमको पता नहीं है। हर्षवर्धन का जब राज्य था यहां 607 से 643 तक या 48 तक, कभी मेन सॉन्ग इनको कहते हैं हम लोग, अभी वो यहां आए थे उसी समय में, और 6 बार डिप्लोमैटिक डेलीगेशन, तब एम्बेसी जो थी परमानेंटली होती थी, किसी देश की एम्बेसी दूसरे देश में परमानेंटली होती थी, सेना परमानेंट के कारण होती थी, तो जब आवश्यकता पड़ती थी तो डेलीगेशन चला जाता था, फिर वहां से कहा जाता था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में 6 डेलीगेशन गए हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और फिर अनुवाद और धर्म का काम नहीं था, बड़े बड़े काम थे और इसका हमें ज्ञान भी नहीं है। अच्छा गोविंद साहब का नाम जानते हैं, उनको जानते हैं इसलिए देखिए भारत इतना महान था कि चीन से यहाँ लोग सीखने आते थे, इससे थोड़ा निकलना चाहिए। हजार साल तक चीन ने इतना अनुवाद किया कि घर भर गया अपना, और हमने क्या किया। एक बार मैंने
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा बड़े बड़े विद्वान थे, मैंने कहा नहीं बताएंगे किसी को, किसी के पास प्रमाण है कि इन हजार साल में किसी चीनी ग्रंथ का संस्कृत में भी अनुवाद हुआ। कई लोगों ने मुझे एक बात नाम बताए और सब गलत नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है, वह देख के गया एक भी ग्रंथ का अनुवाद मुझे नहीं करता। इसमें विजेता कौन थे, इसमें पैदा किसका हुआ, नुकसान तो हमारा हुआ ना, हम भी कुछ सीखते हैं उनसे। पता नहीं भारत के अनुवाद के इतिहास में क्या बात है, जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक किसी भारतीय भाषा में बाहर से अनुवाद नहीं हुआ, ये मेरी धारणा है, ये मैंने पाया है, ये अगर गलत सिद्ध हो तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो। एक आज छुट को लेते उधर लोग नाम बताते हैं, बाकी मेरे कुछ नहीं देखता। भारतीय भाषाओं से सभी लोग अनुवाद करते थे, अभी अभी हम लोगों ने सुना चीन में तो हुआ ही अनुवाद, अभी उसका एक और पक्ष में बताता हूँ जो बहुत ही व्यापक है। चीन में हुआ, अरबी में हुआ, फारसी में हुआ, सब लोगों ने हमारे अनुवाद किए, अकबर ने करवाए, राणा शुकोह ने करवाए, हमने क्या किया, हमने किसी भारतीय भाषा का अनुवाद किया भी नहीं। हम विश्व विजेता शुरू से ही करे, हम सबको ज्ञान बांटते थे, हमको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अनुवाद का सबसे बड़ा काम तो यही है कि ज्ञान विज्ञान इधर से उधर जाए, आए जाए, आदान प्रदान हो। तो प्रदान हमने बहुत किया, आदान कुछ नहीं किया, हम वही मंदिर के प्रति बन गए। आप कीजिएगा तो देखिए ना, निर्धन की निर्धन विपत्ति के विपन्न बने रहे, उसका उसकी विडंबना बताता हूँ। मैं इस पर बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, जगह जगह अब मुझे लिख भी देना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। अशोक घोष ने भगवान बुद्ध का पहला साहित्य जीवन चरित्र लिखा, बुद्ध चरित्र। अनुमान है कि पहली ईसा की पहली शताब्दी में लिखा गया, 19वीं शताब्दी के अंत में एक्चुअली ने सेक्टर 220 नाम से अनुवाद छापे ऑक्सफोर्ड से, 50 वॉल्यूम्स हैं उसके, और उसमें भारत के भी हैं, चीन के भी बोले हैं और भी हैं, लगातार आ रहा है। क्या है और इसके बदले पानी की बोतल देखिए।